फ्रेंड्स, आज के वीडियो टॉपिक में हम आपको बताने वाले हैं हैड, डिड, लाइक्ड, एट, ये जितने भी सारे वर्ड्स हैं या फिर जितने सारे क्रियाएं हैं, जितने सारे वर्ब्स हैं, ये जो होते हैं वो पास्ट टेंस वर्ब्स हैं। तो इनके रूप में ये सिंगुलर हों, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हों, या फिर प्लुरल सब्जेक्ट के साथ ये यूज किए जाएं, तो इनका जो प्रयोग होता है वो हमेशा एक ही जैसा होता है। इनमें कोई चेंज नहीं होता है, ये हमेशा ऐसे ही रूप में होते हैं। आइए हम इसे कुछ उदाहरण के साथ समझते हैं ताकि वीडियो आपको अच्छे तरह से समझ में आए, ये टॉपिक अच्छे समझ में आए और लाइफ टाइम याद रहे। तो देखिए, आई के साथ हम यूज करेंगे। आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार था। और इसका प्लुरल फॉर्म देखते हैं, वी हैड ए कार। यहाँ पे भी हैड ही है, यहाँ पे भी हैड ही है, यानी सेम ही है। ही डिड द वर्क, ये डिड द वर्क। ये जितने भी सारे वर्ड्स वर्ब्स हैं वो पास्ट टेंस में हम सेम ही रखते हैं, सिंपल पास्ट में। दे डिड द वर्क। सी लाइक्ड म्यूजिक। दे लाइक्ड म्यूजिक। यहाँ आप देख रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं हो रहा है। द गर्ल्स एट स्वीट्स। यहाँ पे भी सिंगुलर है या फिर प्लुरल है, कोई फर्क नहीं पड़ा है, याद रहे आपको। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। याद रखें आप कि हैड, डिड, एट, लाइक या फिर रन, रैन, जो सिंपल पास्ट जो भी टू में होते हैं, यानी जो वर्ब फॉर्म के दूसरे रूप में होते हैं, वो चाहे सिंपल सिंगुलर हो सब्जेक्ट्स के साथ प्रयोग किया जाए या फिर प्लुरल सब्जेक्ट्स के साथ प्रयोग किया जाए, उनमें कोई चेंज नहीं होता है। आप हमेशा ये याद रखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर कल एक नया टॉपिक लेके आते हैं, तब तक धन्यवाद।